वीरगढ़ गांव के ऊपर एक पहाड़ी पर एक पुराना किला था। यह कभी शान और ताकत का प्रतीक था। अब यह बहुत समय पहले हुई एक दुखद घटना की भूतिया याद दिलाता था। गांव वाले एक अशांत आत्मा की बात करते थे जो किले के खंडहरों में घूमती थी। वे उसे विक्रम कहते थे। कहा जाता है कि विक्रम एक बहादुर योद्धा था जिसे धोखा देकर उसके ही घर में मार डाला गया था। गांव वाले किले से डरते थे। सूरज डूबने के बाद कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। किले की पत्थर की दीवारें टूट रही थीं। इसका कभी भव्य आंगन खरपतवारों से भर गया था। उस जगह का सन्नाटा बस टूटी खिड़कियों से सीटी बजाती हवा से ही टूटता था। गांव वालों का मानना था कि विक्रम की आत्मा को शांति नहीं मिल पा रही है। असामयिक मृत्यु का न्याय चाहता हुआ किले में घूमता रहा। रोहित एक युवा था जिसमें साहस की प्यास थी और दिल हिम्मत से भरा था। उसने बचपन से ही भूतिया किले की कहानियां सुनी थी, लेकिन दूसरों के विपरीत उसके दिल में डर नहीं था। वो उत्सुक था। वह विक्रम की कहानी के पीछे का सच जानना चाहता था। एक शाम रोहित ने अपने दोस्तों से अपने मन की बात कही। वो किले में जाना चाहता था। वो जानना चाहता था कि क्या कहानियां सच हैं। उसकी हैरानी की बात यह थी कि उसके दो सबसे करीबी दोस्त अमित और प्रिया ने उसकी इस उत्सुकता को साझा किया। वो उसके साथ जाने को तैयार हो गए। तीनों ने मिलकर अपने डर का सामना करने और अनजान में कदम रखने का फैसला किया। जैसे ही सूरज डूबने लगा, गांव में लंबी परछाइयां पड़ने लगी। रोहित और उसके दोस्त किले के लिए निकल पड़े। वे जितने करीब पहुंचते गए, माहौल उतना ही भारी होता गया। हवा और ठंडी हो गई। एक भयानक सन्नाटा उन पर छा गया। किले के विशाल लोहे के दरवाजे ऐसे चरमरा गए जैसे उन्हें वापस मुड़ने की चेतावनी दे रहे हों। जैसे ही उन्होंने आंगन में कदम रखा, उन्हें अचानक ठंडक महसूस हुई। रोशनी बस चांद से आ रही थी जो जर्जर दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां बना रही थीं। पत्तों की हर सरसराहट, हवा का हर झोंका फुसफुसाहट जैसा लग रहा था। अचानक आंगन में एक ठंडी हवा चली। टिमटिमाती चांदनी में उनके सामने एक आकृति दिखाई दी। यह एक योद्धा की भूतिया आकृति थी जो कवच पहने हुए था। उसके चेहरे पर एक दुखद भाव था। डर ने रोहित और उसके दोस्तों को अपनी चपेट में ले लिया, पर रोहित ने हिम्मत जुटाते हुए आगे कदम बढ़ाया। उसने उस आकृति को संबोधित करते हुए कहा, तुम कौन हो? आकृति बोली। उसकी आवाज एक शोकात्मक प्रतिध्वनि थी। मैं विक्रम हूं। मैं कभी इस किले का रक्षक था। मुझे धोखा दिया गया था। जिन पर मैंने भरोसा किया था, उन्हीं ने मेरा कत्ल किया था। भाग 5, सच्चाई की तलाश। विक्रम की कहानी ने रोहित को अन्याय की भावना से भर दिया। उसने योद्धा के लिए सहानुभूति की एक लहर महसूस की। उसने विक्रम से वादा किया, मैं सच्चाई का पता लगाऊंगा। मैं तुम्हारे हत्यारों को न्याय के कटघरे में खड़ा करूंगा। विक्रम की आत्मा ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आशा की एक किरण थी। रोहित और उसके दोस्तों ने अगले कुछ दिन किले के इतिहास पर शोध करने में बिताए। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बात की, पुराने ग्रंथों और पांडुलिपियों को खंगाला। धीरे धीरे उन्होंने विक्रम के विश्वासघात की कहानी को जोड़ना शुरू कर दिया। भाग 6, गद्दारों से नकाब हटाना। उनकी खोज ने उन्हें किले के पूर्व रक्षकों के वंशजों तक पहुंचाया। अपनी जांच के माध्यम से रोहित और उसके दोस्तों ने किले में एक छिपे हुए कक्ष की खोज की। अंदर उन्हें एक पुरानी डायरी मिली जो एक गार्ड की थी। डायरी में एक साजिश का खुलासा हुआ था। इसमें उन दो रक्षकों के नाम थे जिन्होंने विक्रम को धोखा दिया था और उसके दुश्मनों को उसे मारने में मदद की थी। इस सबूत से लैस होकर रोहित ने गांव के बुजुर्गों के सामने सच्चाई पेश की। गद्दारों के वंशजों को सजा दी गई। गांव सदमे में था। सालों से दबी सच्चाई आखिरकार सामने आ ही गई। भाग 7, विक्रम के लिए शांति। उस रात विक्रम की आत्मा आखिरी बार आंगन में दिखाई दी, पर इस बार उसके चेहरे पर कोई उदासी नहीं थी, बस शांति थी। उसने रोहित को अपना वादा पूरा करने के लिए धन्यवाद दिया। जैसे ही सुबह की पहली किरण ने किले को छुआ, विक्रम की आत्मा आखिरकार शांति पाने के लिए मुक्त हो गई। गांव वाले आखिरकार डर के साए से मुक्त होकर किले को पुनः प्राप्त करने का फैसला किया। उन्होंने आंगन की सफाई की, टूटी दीवारों की मरम्मत की और इसे अपने पूर्व गौरव को लौटा दिया। ये भाग 8, साहस और सहानुभूति की विरासत। वीरगढ़ का किला अब डर की जगह नहीं रह गया था, यह साहस और सहानुभूति का प्रतीक बन गया। रोहित की बहादुरी और विक्रम की दुर्दशा के प्रति
उसकी करुणा ने गांव को उसके भूतिया अतीत से मुक्त कर दिया। रोहित और विक्रम की कहानी एक किंवदंती बन गई, एक याद दिलाती है कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि इसके बावजूद कार्य करने की इच्छा शक्ति है, और वह सहानुभूति, दूसरों की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता पुराने घावों को ठीक कर सकती है और बेचैन आत्माओं को भी शांति प्रदान कर सकती है।